जय हिंद साथियों, उम्मीद है आप सब लोग खुश होंगे, लाजवाब होंगे। आपको पता है मुख्य सेविका की भर्ती के लिए फॉर्म काफी दिन के भरे गए, वहीं पर बच्चे आपकी शॉर्ट लिस्टिंग की किस आधार पर हमको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा और हमारा एग्जाम कब होगा इस बात को लेकर चिंतित है। मित्रों मैं आपको बता देता हूं, यूपी ट्रिपलएससी आयोग के हाल ही में नए अध्यक्ष का चयन किया गया है पवन कुमार जी। उन्होंने एक साल के अंतिम दिनों में एक बयान दिया है कि आपकी शॉर्ट लिस्टिंग कब होगी और आपका एग्जाम कब हो सकेगा। उनके बयान के अनुसार आज हम इस 2693 पदों की मुख्य सेविका की भर्ती के बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, वीडियो को पूरा देखना है मित्रों, जिससे आपको पता चल सके कि आखिरकार पंकज कुमार जी के विचार क्या है, उन्होंने क्या कहा है, आपकी शॉर्ट लिस्टिंग उनके बयान के अनुसार कब हो सकती है और आपका कब एग्जाम हो सकेगा। इन सब बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। मित्रों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे आपकी मुख्य सेविका जैसी भर्ती और अन्य भर्तियों के भी अगर कोई भी अगर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आए, कोई नया अपडेट आए तो सबसे पहले आप तक वह पहुंच जाए। तो मित्रों यहां पर आप देखिएगा, जो यूपी ट्रिपलएससी आयोग के जो अध्यक्ष हाल ही में चुने गए हैं पवन कुमार जी, उन्होंने कहा है कि अन्य भर्तियों के मुकाबले मुख्य सेविका की जो भर्ती है 2693 के जो पद हैं उनकी जो एग्जाम के लिए अब यूपी ट्रिपलएससी आयोग ने एक दूसरा मार्ग चुन लिया है। बहुत ही जल्द वह शॉर्ट लिस्ट आपकी जारी करने वाले हैं। अब तक जो आयोग था वह बहुत सारी भर्तियों में बिजी था, जैसे कि यूपी लेखपाल की भर्ती में आपने देखा होगा कोर्ट केस हो गया, काफी दिन से रिजल्ट नहीं आ रहा। वहीं पर आपके यूपी एएनएम की जो ज्वाइनिंग है उसको लेकर महाधरना चल रहा है, ईडब्ल्यूएस का कोर्ट केस चल रहा है, ऐसी भर्तियों में अभी तक वह बिजी था। अब उन्होंने कहा है मुख्य सेविका भर्ती एक ऐसी भर्ती है जिसको बहुत जल्द आपकी क्लियर किया जाएगा, बहुत जल्द आपको सिलेक्शन दिया जाएगा, शॉर्ट लिस्ट जल्द ही जारी होगी और आपका एग्जाम बहुत जल्द कराया जाएगा। सिलेक्शन का आपके लिए शानदार मौका है, क्योंकि पवन कुमार जी ने खुद ने यह स्वयं कहा है कि आपकी मुख्य सेविका की भर्ती जल्द से जल्द क्लियर हो जाएगी। और मित्रों इनके आयोग इनके जो बयान है यूपी ट्रिपलएससी आयोग के जो अध्यक्ष हैं पवन कुमार जी, उनके बयान के अनुसार आपकी जो शॉर्ट लिस्टिंग है, जैसे कि हमने पिछली वीडियोज में भी बताया था, बिल्कुल ठीक ऐसे ही आपकी जो शॉर्ट लिस्टिंग है वो आपके जनवरी के जो पहला सप्ताह है, जनवरी का जो पहला सप्ताह है उसमें देखने को मिल सकती है। यानी कि जनवरी के पहले सप्ताह में आपकी जो शॉर्ट लिस्टिंग है मुख्य सेविका भर्ती से रिलेटेड आपको देखने को मिल सकती है। वहीं पर मित्रों एग्जाम कब होगा, तो उन्होंने कहा है जैसे कि पिछली प्रक्रियाओं में यूपी ट्रिपलएससी आयोग शॉर्ट लिस्टिंग के बाद एग्जाम कराता है, उसी प्रकार से मुख्य सेविका भर्ती का भी होगा। तो इस प्रकार मित्रों जैसे कि आपकी अगर जनवरी के पहले सप्ताह में शॉर्ट लिस्टिंग हो जाती है तो उससे 1 से 1.5 महीने पीछे आपको क्या करा जाएगा, एग्जाम लिया जाएगा, क्योंकि 1 से 1.5 महीने का तो समय एग्जाम के लिए दिया जाता है आपके यूपी ट्रिपलएससी आयोग के द्वारा किसी भी भर्ती में। तो जनवरी के पहले वीक में अगर आपका मित्रों यहां पर अगर शॉर्ट लिस्टिंग आ जाती है तो आपको फरवरी में आपको क्या देखने को मिल सकता है, फरवरी में आपको अपना एग्जाम देखने को मिल सकता है। इसलिए कड़ी मेहनत करें, आप सिलेक्शन के बहुत नजदीक हो मित्रों, सिलेक्शन का शानदार मौका है, बहुत जल्द आपकी भर्ती क्लियर की जाएगी, यह खुद पवन कुमार जी ने कहा है। अब दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि आखिरकार बयान में क्या हुआ, कब शॉर्ट लिस्ट होगी और कब एग्जाम हो सकता है। मित्रों मैं आपको एक अपने एनालिसिस के बेस पर बता देता हूं कि यूपी एएनएम की जो भर्ती है उसमें फॉर्म बहुत कम भरे गए हैं, इसलिए जिसने पीटी का एग्जाम भी दिया था अगर उसके पास स्कोर कार्ड है उसको भी मेहनत करनी चाहिए, उम्मीद है कि उनको भी एग्जाम में बैठाया जाएगा। और मुख्य सेविका से रिलेटेड अगर कोई भी आपका नया अपडेट, कोई भी नई इंफॉर्मेशन आएगी आपको तुरंत ही AKGS रिसर्च सेंटर के द्वारा पता चल जाएगी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे आगे भी महत्वपूर्ण अपडेट आपको मिलते रहे। धन्यवाद, आपने वीडियो पूरा देखा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे ऐसी ही एक इंपॉर्टेंट आपकी इंफॉर्मेटिव वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।